प्रद्युम्न मर्डर केस में अब रियान ग्रुप के मालिकों पर गिरफ्तारी की तलवार लटकी हुई है। बॉम्बे हाईकोर्ट में आज रियान ग्रुप के ट्रस्टी समूह की अग्रिम जमानत अर्जी पर सुनवाई होगी। बता दें कि इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने आज महिला वकीलों की एक याचिका पर भी सुनवाई होगी। दूसरी ओर मुंबई के रियान इंटरनेशनल स्कूल के बाहर अभिभावक प्रदर्शन कर रहे हैं। बचाव पक्ष के वकील ने बताया कि ट्रस्टी समूह के डॉक्टर ऑगस्टिन फ्रांसिस पिंटो और ग्रेस पिंटो पिछले 40 वर्षों से ज्यादा वक्त से शिक्षा के क्षेत्र में है। पूरे भारत में रियान इंटरनेशनल ग्रुप के 54 स्कूल चल रहे हैं। वही बच्चों की सुरक्षा ग्रुप के सभी स्कूल्स की प्राथमिकता है। बचाव पक्ष के वकील ने इन्हीं तर्कों के आधार पर ट्रस्टी समूह के अधिकारियों की अग्रिम जमानत की मांग की है। वहीं इस मामले में अपने बच्चे को इंसाफ दिलाने के लिए प्रद्युम्न के पिता वरुण ठाकुर ने केस की जांच सीबीआई से कराने की मांग की है। आज सुप्रीम कोर्ट इस मामले में दाखिल याचिका पर सुनवाई करेगा।